बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा की फजीलत। इस सूरह मुबारक के फ़ज़ाइल तहरीर व तकरीर से बालातर है। बस इतना कह देना काफ़ी है कि सूरह को उम्मुल कुरान का खिताब मिला है और इस सूरह को मुकदमे कुरान होने का शर्फ़ हासिल है। नेज ये सूरह मुकम्मल दुआ और दवा है, लिहाजा हर जायज़ मकसद, बीमारी और परेशानी के लिए पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह फातिहा की तिलावत करे वो अजर अज़ीम का मुस्तहक करार पाए। इस सूरह का पढ़ना ऐसा है गोया दो तिहाई कुरान की तिलावत की और इसमें सिवाय मौत के तमाम अमराज के लिए शिफा मौजूद है। अगर इस सूरह को किसी पाक बर्तन पर ज़ाफ़रान से लिखकर और बारिश के पानी से धोकर किसी मरीज का मुंह धुलाएं तो वो बीमारी से निजात पाए और खौफ व खफ़ान से महफूज रहे इंशाअल्लाह। सूरह फातिहा मुहाफिज़ इज़्ज़त व नामूस है। अपनी दुआओं में याद रखना। ही अमानुल्लाह।